नहीं, हमारी बॉडी जो है उसको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आप वो 6 से 7 घंटे उसको दे रहे हो तो दैट इज़ गुड इनफ, और आपको खुद पता चल जाएगा। सोना लेकिन ज़रूरी है यार दोस्त, बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो साइकिल, अगर आप जो उसको हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम, कि जो रात और दिन होता है, अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, इट इज़ गुड। बट पढ़ने वालों के लिए मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि यार हर इंसान का पढ़ने का अपना तरीका है। अगर वो रात को शांत माहौल में पढ़ाई होती है तो वो उसके लिए वो टाइम सही है, पर आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। आपने जैसे बोला कि 5 घंटे आपने उधर सो लिया, 3 4 घंटे आपने इधर सो लिया, तो आपकी नींद इट इज़ गुड इनफ, काफ़ी नींद है आपके लिए, है ना? पर अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, तो ये बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। आप जितना सुबह उठ के पढ़ाई करोगे ना, आपको चीज़ें उतना याद होंगी, लेकिन उसकी शर्त यही है कि नींद में रह के नहीं पढ़ना है। जैसे होता है, जैसे मैं ना, मैं जब 12th की तैयारी कर रहा था, तो मैं पापा मेरे को डांटते थे कि तू सुबह उठ के पढ़ाई कर, ठीक है? तो मैं उठ तो जाता था, लेकिन मैं आधी नींद में रहता था, और आधी नींद में फिर, तो वो पढ़ाई हेल्प नहीं करेगी आपको। तो आप अपने बॉडी का साइकिल पहचानो, अभी तो अब चल जाएगा जब तक आप स्टूडेंट हो। फिर वो दिन वाला जो सोना होता है ना, वो लग्जरी है एक्चुअली, वो बहुत बड़ी लग्जरी है, कई कई लोगों को नहीं मिल सकती। और आगे चल के जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो वो कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो हैबिट को अगर आप छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है ना? पर 8 घंटे की नींद वेल एनफ। नहीं, अभी अभी बिल्कुल नहीं। आप अगर प्रिपरेशन के दौर में हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आपके समय में इसमें इकलौता गोल यही होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, और वो पढ़ना जो मैंने कहा, पढ़ना नहीं है, आपको रिमेम्बर करना है। देखो पढ़ने और रिमेम्बर करने में दो बहुत फर्क है, समझ गए? तो आप अगर 1 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आप उसको देखो कि आपने उस चीज को कितना रिमेम्बर किया है। ऑलवेज मैंने जैसे रात वाला आपको रिविजन तरीका बताया था ना, एक्चुअली ये रिविजन जो होता है हर 5 मिनट के लिए ना, हर घंटे में होना चाहिए। जैसे आपने 1 घंटे पढ़ाई की, फिर आपने शॉर्ट ब्रेक लिया, और 5 मिनट जो है आप सोचो कि आपने क्या पढ़ा है, उसी समय देख सोचो आपने कि 1 घंटे आपने क्या पढ़ा है ना? बाकी कर लोगे यार, मैं